से इस तरीके का मैसेज भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और पश्चिम राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले रामदेवरा आतंकियों के साए में आ गया, आतंकियों के निशाने में आ गया, और ऐसे में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। शुक्रिया सावलदान, आगे हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए मौसम का जिक्र कर लेते हैं। तो प्रदेश में फिर से देखिए मॉनसून सक्रिय हो गया है। प्रदेश के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांसवाड़ा, बारा, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं, जबकि 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो एक बार फिर मॉनसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पे एक सिस्टम ऊपर खाड़ी पर बनता हुआ और उसी का असर है। राजस्थान में इस बार 56% ज्यादा बारिश हुई है, यानी कि दोगुनी बारिश हुई है, और ऐसे में कई बांध के जो गेट हैं वो खोले जा रहे हैं। झील, नदी, नाले उफान पर हैं और एक बार फिर 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट यानी कुल मिलाकर भारी बारिश की संभावना 9 जिलों में है। तो भारी बारिश का दौर देखने को भी मिल रहा है और उसी के लिहाज से लगातार अपील भी की जा रही है लोगों से कि जल भराव वाले क्षेत्रों में ना जाएं। जगह जगह पर जो है अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। भजनलाल सरकार प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के साथ ही एक शहर एक निकाय का मॉडल भी लागू करेगी, और इसके तहत जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनाए गए दो दो नगर निगमों को खत्म करके एक ही रखा जाएगा। ये दावा यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने किया है। वन स्टेट वन इलेक्शन, पूरे प्रदेश में एक राज्य वन स्टेट वन इलेक्शन होना चाहिए। निकायों की सीमा पर टेंशन, जिन निकायों का सीमा विस्तार होना है उनका सीमा विस्तार होगा। वन इलेक्शन पर सियासी घमासान, स्टेट वन इलेक्शन की बात कहकर भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल निकायों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। चुनाव कराना आवश्यक है। निकाय चुनाव, जनता देगी जवाब। जन कल्याण की योजनाएं बंद करने संबंधी इन सबका जो इन्होंने बंद करने का कार्य किया उसके विरोध में जनता सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन की बातें हो रही है। अब इसी कड़ी में केंद्र की तर्ज पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने वन स्टेट वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट दे दिया है। उन्होंने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर निकाय स्तर पर काम चल रहा है और सरकार सोच रही है कि राज्य सरकार 2025 में एक साथ निकाय चुनाव कराए। पूरे प्रदेश में एक राज्य वन स्टेट वन इलेक्शन होना चाहिए, इस दिशा में काम चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के कई निकायों के सीमा विस्तार और परिसीमन पर भी बयान दिया है। उनका कहना है कि परिसीमन पर कार्य चल रहा है, वहीं ज्यादा निकाय वाले शहरों को मर्ज करने की बात कही। ऐसे में जयपुर, कोटा और जोधपुर में फिर से एक निकाय किए जा सकेंगे। जिन निकायों का सीमा विस्तार होना है उनका सीमा विस्तार होगा। सीमा विस्तार के बाद वार्डों का पुनर्गठन होगा और वार्डों के पुनर्गठन के साथ ही आपकी जो जिज्ञासा है, एक जब वन स्टेट वन इलेक्शन हो रहा है तो एक शहर एक निकाय भी होगा। इधर यूडीएच मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने इस बयान को आड़े हाथों लिया और वन स्टेट वन इलेक्शन की बात को बेमानी बताया। कांग्रेस महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन कराना निकायों को कमजोर करने की कोशिश है। वो इस तरह की जब बात कहते हैं तो उससे ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में अपना जन समर्थन खो चुकी है और केवल इसलिए चुनावों को टालने के लिए इन निकायों को कमजोर करने के उद्देश्य से, कंट्रोल करने के उद्देश्य से इस तरह की बात करी है। यही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव टालने का आरोप लगाया। स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि ये जन समर्थन खोने के बाद चुनाव टालने का बहाना है। छोटे स्तर पर जनता के काम कराने के लिए चुनाव समय पर कराना जरूरी होता है। सरकार के इस फैसले का जनता जरूर जवाब देगी। सभी जो जनता के हित में लिए गए फैसले हैं, आज रिव्यू के नाम पर भारतीय जनता पार्टी उनको बंद करना चाहती है, उन फैसलों को उलटना चाहती है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो ये निर्णय हैं, जो कांग्रेस सरकार की जन कल्याण की योजनाएं बंद करने संबंधी
इन सबका जो इन्होंने बंद करने का कार्य किया उसके विरोध में जनता सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। बीजेपी और कांग्रेस में अब वन स्टेट वन इलेक्शन पर तलवार खिंच गई है। देखना ये होगा कि जनता इस पर कितना समर्थन दिखाती है और वन स्टेट वन इलेक्शन पर तकरार कहाँ तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। भारत पाक बॉर्डर पर डीआरआई की टीम ने एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री को जब्त कर लिया है। बीज गांव में अवैध फैक्ट्री से ऐसी चल रही थी वहां पर जैसे मानो किसी का डर ही नहीं है, और सुनसान इलाके में मशीनें लगा रखी थी। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत पाक बॉर्डर पर अवैध धंधा, बीज गांव में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री, लाखों की मशीनें और सुनसान मकान, फैक्ट्री के 3 किलोमीटर तक नहीं कोई घर। सुनसान इलाके में बने इस मकान को देखिए, किसी सरहदी इलाके के बंकर की तरह दिखने वाला ये मकान अवैध फैक्ट्री का सबसे बड़ा ठिकाना है। भारत पाक बॉर्डर पर सबसे बड़ा अवैध धंधा चल रहा था। बाड़मेर में सुनसान जगह पर धोरों के बीच ड्रग फैक्ट्री पकड़ी गई। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने स्थानीय पुलिस की मदद से जिले के रामसर थाना इलाके में चल रही ड्रग की फैक्ट्री पर दबिश दी। इतना ही नहीं, मामले में एक व्यक्ति को भी डिटेन किया गया है जिससे पूछताछ जारी है। खेत में बने मकान पर टीम ने कार्रवाई की। टीम को जनरेटर के साथ मशीनें मिली हैं। मशीनों को लेकर एक्सपर्ट बुलाए गए। फैक्ट्री में एमडी ड्रग बनाया जाता था जिसे राजस्थान के प्रमुख शहरों समेत देश भर में सप्लाई किया जाता था। हालांकि एमडी के अलावा भी किसी अन्य ड्रग का निर्माण यहां किया जाता था। इसकी जांच भी की जा रही है। मामले को लेकर डीआरआई ने अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक खेत में बने कमरे और ढाणी में एक जनरेटर, ड्रग्स की फैक्ट्री की मशीनें और केमिकल समेत अन्य सामान मिला है। फैक्ट्री सुनसान इलाके में चल रही थी। करीब 3 किलोमीटर के आसपास कोई भी ढाणी या घर नहीं है। बताया जा रहा है कि एमडी ड्रग्स बनाने वाला रैकेट महीने में 2-3 बार इस फैक्ट्री पर आता था और ड्रग्स बनाकर महाराष्ट्र तक पहुंचाते थे। वहीं इस एमडी के मुख्य सरगना सांचौर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं और वहीं पर ज्यादा माल होने की संभावना है, तो टीम जानकारी में जुटी हुई है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। यूएई से भारत तक गोल्ड स्मगलिंग का नेटवर्क खड़ा करने वाला मुनियाद अब इंटरपोल की मदद से एनआईए की गिरफ्त में आ चुका है। भारत के बड़े एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ने के बाद मुनियाद ने जब एयरपोर्ट का रुख किया तो वो फंस गया। मुनियाद ने कैसे गोल्ड स्मगलिंग का नेटवर्क खड़ा किया, देखिए इस रिपोर्ट में। मुनियाद की मियाद पूरी। चार साल की फरारी, अब हवालात की बारी। इंटरपोल ने एनआईए को सौंपा मुनियाद। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स मुनियाद अली है, जो अब इंटरपोल की मदद से एनआईए की गिरफ्त में आ चुका है। मुनियाद अली खाड़ी देशों से भारत में सोने की अवैध तस्करी करने के लिए कुख्यात है। चार साल से एनआईए मुनियाद की तलाश में जुटी हुई थी। चार साल की फरारी के बाद मुनियाद गिरफ्त में आया है और अब भारत लाया जा चुका है। मुनियाद ने ही खाड़ी देशों से भारत तक गोल्ड तस्करी का अवैध नेटवर्क तैयार किया। केंद्र जांच एजेंसी सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गोल्ड तस्कर मुनियाद अली खान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे राजस्थान ले गई है और राजस्थान स्थित वहाँ पर सीबीआई के दफ्तर में उसे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। खाड़ी देशों से भारत तक गोल्ड स्मगलिंग का नेटवर्क खड़ा करने के बाद मुनियाद लगातार फरार था। उधर मुनियाद को पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। इसके बाद इनपुट मिला कि मुनियाद यूएई में है। यहाँ यूएई और अबू धाबी की टीमों की मदद से उसे पकड़कर भारत लाया गया और फिर एनआईए की टीम को सौंप दिया गया। मुनियाद अली खान के खिलाफ साल 2020 में केंद्र जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा केस रजिस्टर किया गया था
और जिस तरह से उसके खिलाफ केस रजिस्टर करने के बाद पिछले कुछ सालों से लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम उससे जुड़े मामले में तफ्तीश कर रही थी। उसके बाद ये जानकारी मिली कि मुनियाद अली खान वो विदेश भाग गया है और विदेश में रह करके वहां से गोल्ड तस्करी के मामलों को अंजाम दे रहा है। मुनियाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर रियाद, सऊदी अरब से भारत में सोने की अवैध तस्करी का प्लान और नेटवर्क तैयार किया था। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर पहले भी रियाद से जयपुर में सोने की तस्करी करवा चुका है। मुनियाद ने खाड़ी देशों में काम करने वाले लोगों को अपने सिंडिकेट में शामिल कर रखा था। मुनियाद वहां काम करने वाले भारतीयों को कमीशन का लालच देता था। उसने खाड़ी देशों से जयपुर, दिल्ली और कोलकाता तक नेटवर्क बनाया। पिछले कुछ सालों में जब उसे लगा कि दिल्ली और कोलकाता के एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ गई, तो उसने जयपुर एयरपोर्ट को सेंटर बनाया। खाड़ी देशों से सोना लेकर आने वालों को केवल ये निर्देश दिए जाते थे कि उन्हें ये गोल्ड केवल एयरपोर्ट के बाहर तक पहुंचाना है। मुनियाद अली खान, उसका जो राजस्थान कनेक्शन है, राजस्थान में कई ऐसे गोल्ड तस्करों के संपर्क में रह करके वो गोल्ड तस्करी के मामलों को अंजाम दे रहा है। उसके बाद एनआईए के इस इंफॉर्मेशन के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई एक्शन मोड में आई और उसके बाद इन तमाम मामलों की जानकारी इंटरपोल के साथ साझा की गई और इंटरपोल के साथ साझा करने के बाद इस मामले में इंटरपोल और सीबीआई के द्वारा एक ज्वाइंट तौर पर एक ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उसे यूएई से हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद उसे भारत लाया गया। भारत लाने के बाद जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया, उसके बाद उसको औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम उसे लेकर राजस्थान निकल गई और राजस्थान स्थित सीबीआई के जो स्थानीय कोर्ट है वहां पे पेश करने के बाद वहां पर आगे का रिमांड लेकर उसे विस्तार से पूछताछ करेगी। यहां बता दे कि एनआईए ने जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3 जुलाई 2020 को तस्कर कर लाए गए सोने को जब्त करके सितंबर 2020 में केस दर्ज किया था। उस वक्त पकड़े गए एक गोल्ड तस्कर ने पूछताछ में मुनियाद के बारे में जानकारी दी थी। मार्च 2021 को रेड कॉर्नर नोटिस के लिए एनआईए की विशेष कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया था। कहा जा सकता है कि इस मामले पर अब तक जो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन है उसकी रिपोर्ट को, उसके जो चार्जशीट है उसकी रिपोर्ट को भी सीबीआई के द्वारा आगे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ अन्य आरोपियों से भी पूछताछ की जा सकती है। एनआईए की अपील पर सीबीआई ने मुनियाद के खिलाफ 13 सितंबर 2021 को इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था। मुनियाद के तलाश के लिए इसे दुनिया भर की सभी कानूनी एजेंसियों को भेजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर की कुर्सी जाना तय हो चुकी है और ऐसे में अब निगम में महापौर पद के लिए फिर से जोर तोड़ शुरू हो गई है। अभी देखने वाली बात होगी कि कार्यवाहक महापौर लाया जाता है या फिर चुनाव कराए जाएंगे। मुलाकात की नगर निगम हेरिटेज में जिस प्रकार का वातावरण था, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार था, अगर उससे कांग्रेस पार्टी के पार्षद आहत थे और वो अपनी पीड़ा व्यक्त करने मेरे पास आ गए, मैंने उनको सुन लिया और निश्चित रूप से हम उनकी पीड़ा का निराकरण करेंगे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में महापौर का पद ओबीसी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है और ऐसे में बहुमत के हिसाब से पाला कांग्रेस का भारी है। वर्तमान में नगर निगम हेरिटेज में 17 ओबीसी महिला पार्षद है, जिनमें से कांग्रेस की 9 और बीजेपी की 4 ओबीसी महिला पार्षद है। 4 ओबीसी महिला पार्षद अन्य कैटेगरी में भी है। ऐसे में कांग्रेस की मांग है कि बोर्ड उनका है तो कानून के मुताबिक कार्यवाहक महापौर उनका ही बनना चाहिए। हालांकि नगर निगम हेरिटेज के चुनाव में अभी 14 महीने बाकी हैं। अगर नगर निगम के वर्तमान गणित पर गौर करें तो नगर निगम हेरिटेज में कुल 100 वार्ड है। महापौर बनाने के लिए 51 पार्षद जरूरी है। अगर महापौर निलंबित होती है तो पार्षदों की संख्या 99 रह जाएगी। वर्तमान में कांग्रेस के 47 पार्षद हैं, जबकि बीजेपी के 42 पार्षद। पिछले चुनाव में 11 निर्दलीय पार्षदों में से 9 ने कांग्रेस को तो 2 ने बीजेपी को समर्थन दिया था। ऐसे में सरकार चुनाव करवाती है या फिर अस्थायी तौर पर महापौर नियुक्त करती है, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन इसी बीच ये खबर है कि नगर निगम की वर्तमान महापौर कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हो गई है।
और अब आपको दिखाते हैं टॉप 10 खबरें।